तो हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपके एक्सरसाइज 6.2। तो इसके क्वेश्चन हमने पहले आपके नेक्स्ट वीडियो में करा दिए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक। तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर उनको देख सकते हैं और वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और उस यदि आप उनको कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से आ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करना है, और चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आपको भी कॉपी पेन लेकर बैठना है और क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से करना है और समझना भी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले जो भी डिजिट दी हो लास्ट में उसको क्या करना है, आपको फैक्टर निकाल लेना है। यानी 6, यानी इसके फैक्टर निकलेंगे 3, 1 और 1, क्या निकलेंगे 2, 3 और 1। और सबको एक्स इक्वल टू में लेट करना है। एक्स इक्वल टू में कभी आपको क्या करना है, 1 लेट करना है, कभी आपको 3 और 2। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 एक्स इक्वल टू में 1 लेट कर लेते हैं। तो कैसे, देखिए जैसे ही आप x इक्वल टू में 1 पुट करेंगे, यदि आपका 0 आ रहा है तो आपको क्या है कि x इक्वल टू में 1 क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर निकल आएगा। तो आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। तो जैसे आप x इक्वल टू में 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 4 होती है, 1 आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 3 का मतलब 1, और माइनस 7, 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 और प्लस 6। जैसे आप लिखेंगे, देखिए 1, 1 और 6 कितना हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। और 7, 1 जो 7, यानी कि माइनस का 7 और माइनस का 1, माइनस का 7 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा एक्स इक्वल टू में 1 हमारा क्या है, एक इसका फैक्टर है, यानी कि इसका एक गुणनखंड है। इसके पहले क्वेश्चन में आपको गुणनखंड दे रहा था, पर इसमें क्वेश्चन में आपको गुणनखंड नहीं दिया है। तो इक्वल टू जैसे आप 0 पुट करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो आपको एक गुणनखंड पता चल गया है। उसके बाद इस गुणनखंड से आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आप इससे जो भी फैक्टर बचेगा तो आपका उसके भी गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, एक्स माइनस 1 जैसे आपने इस इक्वेशन में पुट किया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 7x² माइनस एक्स प्लस 6 इसमें आपको रखना है और इसको इसमें से डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ क्या है, एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है, 1 है, यानी कि इसमें से कितने कम है, 3 कम है। तो क्या करना है, एक्स की पावर 3 से आपको मल्टीप्लाई करा देना है। और ध्यान में ये रखना है कि आपको पहले जो लिखा हुआ है पहला अक्षर उससे डिवाइड हो जाए और पूरी तरीके से कट जाए। तो जैसे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये क्या हो रहा है, पूरा तरीके से कट रहा है। तो देखिए माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2x³ माइनस 7x² माइनस एक्स प्लस 6। उसके बाद देखिए यहाँ तो 2 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 रख देना है ऐसे ही। उसके बाद देखिए यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो कितनी कम है, 2 कम है। तो आपको क्या करना है, x² से मल्टीप्लाई करा देना है। तो क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस 2x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस संख्या बड़ी तो सबसे पहले आपको माइनस लगा देना है, और 7 से 2 जाएंगे तो कितना जाएगा, 5x² ऐसे ही लिख देना है, माइनस एक्स और प्लस 6 हो जाएगा। अब ध्यान में क्या रखना है, यहाँ 5 है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस 5 लिख देना है। उसके बाद यहाँ x², यहाँ x है तो क्या करना है, x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 5x² माइनस में, और ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। जैसे आपने देखा तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा। और क्या है, माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ माइनस 6x और यहाँ प्लस 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस 6 है तो यहाँ तो 6 है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो माइनस 6 जैसे आपने पुट किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 6x प्लस में 6, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ होके प्लस हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था इसमें, तो आपको एक खंड ये मिल जाएगा और एक खंड ये मिल जाएगा। तो जैसे आप कोई भी डिवाइड करते हैं, जैसे टू का डिवाइड आपने एट में किया, तो क्या करते हैं टू फोर जाए एट करते हैं कि नहीं, तो यहाँ एट आता है यहाँ जीरो। तो जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको बीच वाला पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता है। उसी प्रकार हमने भी इसको कर दिया है, जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ये निकल आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अभी आपने इतना लिख दिया। अभी देखिए माइनस सिक्स है, अभी ऊपर हमारा क्या मिला था प्लस सिक्स मिला था, इस बार क्या मिला है माइनस सिक्स। तो इसके भी फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, माइनस वन इंटू टू इंटू में थ्री, इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि आप जैसे ही माइनस वन रखेंगे इसमें, तो आप इसमें क्या कर दीजिए, इस बार माइनस वन रख के देख लीजिए, यदि पूरी क्वेश्चन जीरो आ रही है तो ये आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जैसे आपने देखिए पहले यहाँ भी अगर माइनस वन रख दें आप, तो ये कितना हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, और यदि यहाँ माइनस वन रख दें, देखिए यहाँ रख के देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स हो गया। जैसे यहाँ आपने माइनस वन रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस टू इंटू में माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू में माइनस वन माइनस सिक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस वन, और माइनस स्क्वायर का कितना हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का टू आ जाएगा यहाँ, फिर माइनस माइनस प्लस होकर प्लस का फाइव आ जाएगा और माइनस का सिक्स। तो देखिए माइनस माइनस कितना हो रहा है, माइनस का सेवन आ रहा है, तो माइनस का सेवन और प्लस का सेवन आ रहा है, यानी कि जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक्स प्लस वन भी आपका क्या है सेटिस्फाइड हो रहा है। जैसे आप एक्स इक्वल टू में माइनस वन पुट करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक फैक्टर पता है तो इस बार क्या करना है, एक्स प्लस वन से डिवाइड कर देना होल इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। तो जैसे आपने एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया तो कितना आया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वन है तो ये माइनस ये फिर माइनस, ये कितना कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टू से वन जाएगा तो एक्स वन बचेगा, मान लीजिए यहाँ वन है और माइनस फाइव एक्स। तो क्या कर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो एक्स आ जाएगा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स हो जाएगा। तो देखिए पूर्णतः ये कट जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा जीरो और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस का सिक्स एक्स माइनस का सिक्स, ऊपर से फिर नीचे उतार लेना है इसको, माइनस का सिक्स यहाँ भी रहेगा। और इस बार देखिए माइनस का सिक्स यदि आप मल्टीप्लाई करा दें तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस सिक्स और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस सिक्स, देखिए प्लस प्लस दोनों क्या हो रहे हैं कट रहे हैं। तो आपको क्या पता चल गया, ये भी हमारे क्या है गुणनखंड है। तो आप किसको देखिए पहले इसको लिख लेना है, ये जो लिखा हुआ है इसको आपसे लिखना है आपको। तो देखिए कितना आ रहा है, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये इतना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से हो जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए, तो देखिए एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, इसके आपको फैक्टर निकालना है। तो कितने हो जाएंगे फैक्टर, टू थ्री जै सिक्स, यानी कि ये टू थ्री जै हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स सॉरी प्लस की संख्या बड़ी लेते हैं थ्री एक्स माइनस का टू एक्स और माइनस का सिक्स ले लीजिए, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, आपको इसके फैक्टर तो आते ही होंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स यहाँ कॉमन लिया जाएगा, तो एक्स यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स प्लस थ्री और दूसरे में माइनस टू कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। देखिए हमारे बीच के सेम है, तो एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री और इसमें क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, यानी कि टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे आप, इतने आ जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को रोककर फिर से आप इसको देखिए, यदि आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, यदि ये समझ में नहीं आया है तो आपको आगे क्वेश्चन समझ में वो आ जाएगा, क्योंकि उसको भी हम और इजी तरीके से समझाएंगे। और जो भी आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये टेन है,
और हमने बताया जैसे आपको कोई डिजिट लास्ट में दिख जाती है उसके सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर निकाल के आपको पता कर लेना है। जैसे 42 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 21, 3 से काटेंगे 7 और 7 1, तो कितने फैक्टर निकाल के आएंगे, 2 × 3 × 7, यानी कि आपके इतने फैक्टर आ गए। तो सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू में आपको क्या करना है, 2 पुट करके देख लेना है, यानी ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो ठीक है। तो यदि x इक्वल टू में 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू में 0, ये x का फैक्टर बनेगा। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पुट करेंगे आपको x इक्वल टू में 2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 का क्यूब, यहाँ देखिए y दिया है तो आपको क्या करना है, y इक्वल टू में 2 पुट करना है, ठीक है। तो जैसे आप y इक्वल टू में 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 19 × 2 प्लस में 42, 2 × 2 = 4 × 8, 8 × 2 = 16, यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 5 = 20 माइनस 19 × 2 = 38 और प्लस में 42। देखिए क्या करें, माइनस माइनस को आप जैसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 आ जाएगा माइनस का, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 58, यानी कि आपको ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो वाई माइनस टू आपको क्या है, एक गुणनखंड मिल गया है। तो आपको इसी से पूरी इक्वेशन में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा, 2y³ - 5y² - 19y + 42। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो सबसे पहले आपको 2 लिख देना है ऐसे करके। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, तो क्या करना है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2y³ आ जाएगा, 2y³, और यहाँ कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y² हो जाएगा, देखिए माइनस ये प्लस, ठीक है, तो हमारा कट जाएगा। ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसको ही काटना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, यदि ये नहीं कट रहा है तो आपको ऐसी इक्वेशन रखना है कि ये कट जाए। उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 3y² - 19y + 42, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 3 है, सबसे पहले आपको माइनस का 3 रखना है, क्योंकि माइनस का 3 रखा हुआ है यहाँ, और y यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ कितना आ जाएगा, 3y² और माइनस माइनस प्लस होकर 3 × 2 = 6y हो जाएंगे। अभी आगे तो कुछ है नहीं, तो देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये तो कट जाएगा हमारा सीधे सीधे। अभी ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस होकर हाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 19 × 6 = 25y और प्लस में 42। देखिए यहाँ कितना आएगा, 25y और ये 42। तो जैसे हम देखिए इसमें 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 2 = 50 हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये तो रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा कहीं ना कहीं हमारा गलत हो गया है। तो देखिए कहाँ गलत हुआ है, 2 × 2 = 2 और 2 × 2 = 4, देखिए सॉरी यह हमारा गलत हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 और 4 से माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 1, क्योंकि हमको यहाँ माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हमने इसको फिर से किया है, वीडियो रुक गया था, इसके लिए आप माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने इसको फिर से लेकर यहाँ रख लिया है, और ये हमारा क्या हो रहा था, यहाँ ऊपर हमारा रॉन्ग हो रहा था। इसके बाद माइनस का 1 यहाँ, क्योंकि हमने क्या क्या कर दिया था, यहाँ 2 कर दिया था, यही हमारी गलती हो रही थी, यहाँ आ गया था 3, तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, कोई पूरी क्वेश्चन रॉन्ग हो गई थी। माइनस को 2 से जैसे आप डिवाइड करेंगे वाई माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 1। इसके बाद आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हमने इन दोनों को ले लिया है, ये देखिए इन दोनों को हमने ले लिया है, उसके बाद यहाँ रखा है। अभी क्या करना है आपसे कि देखिए हमने इसको सबसे पहले आपको बता दिया कितने फैक्टर निकलेंगे, 7, 3, 2, यानी कि आपके इतने फैक्टर निकलेंगे। तो देखिए 2 तो आपको पता चल गया पहले ही, यहाँ कितना निकलेगा, 7 और 3 निकलेंगे। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 21 × 2 = 42। अभी आपको ऐसे फैक्टर निकालना है कि इन दोनों को प्लस या माइनस में आना चाहिए बीच वाली संख्या, यानी कि वाई माइनस 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाए, तो देखिए जैसे आप रखेंगे 7 × 6 कितना होता है, 42 होता है, और 7 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, माइनस 1 चाहिए, तो जैसे -7 + 6 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -7 आपको रखना है, इधर कितना रखना है, +6y - 21, ठीक है।
अभी माइनस का टू तो ऐसे लिख दे दीजिए यहाँ, यहाँ कितना आ जाएगा, टू वाई स्क्वायर प्लस में सिक्स वाई माइनस का सेवन वाई माइनस का 21, क्योंकि हमारा सेवन इधर कॉमन मिल रहा है, सिक्स इधर कॉमन मिल रहा है, तो क्या कर दीजिए माइनस का टू इसमें ले लीजिए, और टू वाई जैसे इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा वाई प्लस थ्री आ जाएगा, और माइनस का सेवन इसमें से कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस सॉरी वाई प्लस थ्री आ जाएगा इसमें से कॉमन, तो आपको फाइनल क्या आ जाएगा वाई माइनस टू एक ब्रैकेट, और यहाँ कितना आ जाएगा टू वाई माइनस सेवन एक ब्रैकेट और वाई प्लस थ्री एक ब्रैकेट, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से यदि आपको समझ में आ रहा हो। तो चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ आपको फैक्टर 11 क्वेश्चन नंबर में क्या मिल रहा है, माइनस का 30 मिल रहा है, यानी कि देखिए यहाँ आपको माइनस मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपको एक्स इक्वल टू में क्या करना है प्लस वन इस बार पुट करना है, तभी आपको एक्स माइनस वन होगा। देखिए आपको 30 के फैक्टर निकाल लीजिए, कितने फैक्टर निकाले गए 15 3 5 और 5, देखिए कितने फैक्टर निकाले गए 2 इंटू 3 इंटू में 5 और इंटू में अगर यदि 1 रख दें आप माइनस का तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे ही एक्स इक्वल टू में माइनस वन पुट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा माइनस वन की पावर 4 5 इंटू 1 की पावर माइनस की 3 माइनस 7 इंटू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 41 इंटू में माइनस 1 माइनस का 30 तो है। यहाँ माइनस 1 की देखिए पावर कितनी है, सम संख्या है यानी कि इवन नंबर कितना आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ कितना है ऑड नंबर है तो माइनस का 5 है, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 5। ठीक है, माइनस 7 और देखिए ये कितना है इस बार सम संख्या तो कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगी, तो माइनस 7 ऐसे ही रखा रहेंगे यहाँ, फिर प्लस 1 लगा दीजिए ऐसे ही, और क्या है 41 इंटू माइनस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 41 आ जाएगा ये। ठीक है, और प्लस माइनस का 30, तो देखिए कौन सी संख्या माइनस की है वो माइनस से जुड़ जाएंगी और जो प्लस की है वो प्लस से जुड़ जाएंगी, तो देखिए कौन कौन सी हमारी प्लस की संख्या है, एक हमारी ये है ये है, तो देखिए कितना आ जाएगा माइनस का 37 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 41 और प्लस का 6, तो देखिए कितना है 8 और 7 प्लस 6, तो इस बार हमारा क्या है जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है। देखिए जैसे आप करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा और ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है एक्स माइनस वन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करना है इस बार आपको क्या करना है एक्स इक्वल टू में प्लस वन पुट करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ प्लस वन पुट करेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 1 5 और यहाँ ये वन पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 41 और माइनस का 30, तो देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस ये तीनों माइनस के हैं कितना आ जाएगा 7 5 12 हाँ कितना आ जाएगा यहाँ 42 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 42 और ये कितना माइनस का 42 कितना 0, तो आपको पता चल गया एक्स माइनस वन इसके फैक्टर है, तो आपको क्या करना है इसी से आप पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यदि आप इससे डिवाइड नहीं करना चाहते हैं और इसको छोटा करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, अभी मत इसको डिवाइड करिए, आप एक्स इक्वल टू में टू पुट करके देख लीजिए, तो जैसे आप एक्स इक्वल टू में टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू का टू की पावर 4, देखिए यहाँ लिखते हैं टू की पावर 4 माइनस 5 इंटू टू की पावर 3 माइनस 7 इंटू टू की पावर 2 प्लस में 41 इंटू में 2 माइनस का 30, देखिए 2 की पावर 4 का मतलब 2 दुनी 4 दुनाई 8 दुनाई 16 माइनस 2 दुनी 4 दुनाई 8 8 पंच 40 माइनस 2 दुनी 4 होगा कि नहीं 4 होगा सच्चों को 28 हो जाएगा ये सॉरी 28 और प्लस में 21 42 दुनाई कितना हो जाएगा 21 41 दुनाई 82 माइनस का 30। अब देखिए जो जो माइनस के हैं उनको उनको प्लस कर दीजिए, देखिए हमारे ये तीनों माइनस के हैं तो इनको जैसे पहले प्लस को वाले प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा 8 और ये 81 9 माइनस लगा दीजिए 8 8 यहाँ 8 आ जाएगा 3 2 5 4 9, देखिए हमारे क्या हो रहा है जीरो आ रहा है यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू में जीरो। तो आपको क्या पता चल गया है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस माइनस टू
ये हमारे क्या हैं दोनों कंपोनेंट यानी गुणनफल सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आप इनको जैसे मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस के अंदर प्लस का टू आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको और अच्छे तरीके से लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस में टू, यानी कि आपको एक कंपोनेंट पता चल गया है। तो आप इस बार अगर इससे डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन में तो आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस में टू, इसका आप होल इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, जितनी बड़ी आपकी इक्वेशन है, एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स की पावर थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी वन एक्स माइनस में थर्टी। यदि आपको कोई राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो हमें बता दीजिएगा, यदि प्रॉब्लम ना हो तो फिर भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत ही गंदी बन रही है। अभी देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है, एक्स की पावर टू है और एक्स की पावर फोर है। हाँ, पर यदि राइटिंग गंदी है पर ये नहीं समझिएगा, आपको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ फोर है यहाँ टू है, तो क्या करना है आपको, एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई करा देना है, तो एक्स की पावर फोर हो जाएगा। तो एक्स की पावर फोर माइनस यहाँ कितना, एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर टू है, तो क्या हो जाएगा यहाँ थ्री एक्स की पावर थ्री, क्योंकि यहाँ माइनस वन था तो हमने माइनस लगा दिया। अभी यहाँ के टू है और यहाँ टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में टू एक्स स्क्वायर, एकदम अच्छे से करिएगा। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कि हमारा कट जाएगा, और ये कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का टू एक्स इस क्यूब आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का नाइन एक्स स्क्वायर प्लस में फोर्टी वन एक्स प्लस में माइनस में थर्टी। अभी देखिए यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो क्या करना है आपको, माइनस का टू एक्स से मल्टीप्लाई करा देना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का टू एक्स क्यूब। अभी आगे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, दो ताई छः, वही प्लस का छः हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दो ताई छः एक्स स्क्वायर। अभी इसमें प्लस मल्टीप्लाई करिए, दो दूनी चार, माइनस का चार और एक्स ऐसे लिख देना है, तो ये तो हमारा प्लस वन के कट जाएगा। अभी ये माइनस ये प्लस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का पंद्रह एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, फोर्टी फाइव एक्स माइनस का थर्टी। अभी देखिए यहाँ फिफ्टीन है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो क्या करना है, माइनस का फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में फोर्टी फाइव एक्स और माइनस में थर्टी। देखिए पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, यानी जीरो आ रहा है। तो अभी देखिए आपको एक फैक्टर ये पता चल गया और एक फैक्टर ये पता चल गया, तो कितने फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस में टू, एक फैक्टर हो जाएगा हमारा, और दूसरा क्या है फैक्टर, ये है, इनका मल्टीप्लाई तो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस में फिफ्टीन। अभी देखिए हमने इसको क्या लिखा था, यहाँ एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, इसको लिखा था कि नहीं, इसकी कूल है, तो आपको एकदम कंपोनेंट अलग अलग लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट, एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट। अभी आपको इसको भी सॉल्व करना है, इसी तरह आपको लिखना है इसको भी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और थ्री फाइव जो फिफ्टीन होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव एक्स प्लस में टू एक्स माइनस में फिफ्टीन। यदि देखिए माइनस का फाइव और प्लस में टू जोड़ें तो माइनस का थ्री तो आएगा, सॉरी माइनस का यहाँ थ्री लग दीजिए, तो आपको माइनस का टू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का टू। हमने देखिए इन दोनों को एकदम इस तरह लिख लिया है, तो जिन दोनों सेम ही तो हैं ये। अभी क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट, एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस फाइव एक ब्रैकेट और इसमें प्लस का थ्री कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस फाइव एक ब्रैकेट। देखिए हमारे ये दोनों क्या हैं, सेम हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट, एक्स माइनस टू दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस थ्री एक ब्रैकेट में। तो आप इसको फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस थ्री, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगी,
इसके आगे क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है और ये वीडियो साफ बन नहीं पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।